हेलो फ्रेंड्स, मैं एलिस गर्ग, जय इलेक्ट्रिकल रेलवे डी एफ सी आई एल। तो फाइनली इंतज़ार ख़त्म हो गया है और 17 दिसंबर से एग्ज़ाम कल से चालू है। तो 17 दिसंबर 20 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है। आई होप कि आप सभी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे और जिनका दूर है वो तो निकल भी गए होंगे और सेंटर पे, तो अच्छे से रिलैक्स हो लेना है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए कि अच्छे से आप सबका एग्ज़ाम हो और बिल्कुल डी एफ सी में आपका सिलेक्शन हो। जिनका एग्ज़ाम कल से है और 20 दिसंबर को है, सभी को बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से एग्ज़ाम देना है रिलैक्स होकर के। इसमें बहुत सारा मैसेज आ रहा है कि डर लग रहा है एग्ज़ाम से पहले, तो डरना नहीं है, डर तो लगता ही है क्योंकि एग्ज़ाम है, तैयारी अच्छा से जब किए होते हैं तो डर लगता ही है और कि कैसा एग्ज़ाम जाएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, तो बिल्कुल डर लगता है। तो डरना नहीं है, आपको रिलैक्स रहना है और एग्ज़ाम अच्छे से देना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो बनाना है। तो इसमें डरना नहीं है, अब एग्ज़ाम में जाइए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। डरने से कुछ नहीं होगा, आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर के जाना है। तो जो पढ़े हैं वो बिल्कुल अपना अच्छा बेस्ट बेस्ट तैयारी किए ही होंगे, तो आप एग्ज़ाम में एग्ज़ाम दीजिए और बिल्कुल सिलेक्शन होगा आपका। तो डरना नहीं है और इसमें बहुत सारा क्वेरी जा रहा है कि जो एग्ज़ाम होगा वो अलग अलग पार्ट वाइज होगा, तो ऐसा पार्ट वाइज नहीं है। आपको जो 2 घंटा का समय मिलेगा, पहली बात तो टाइम में टाइम जो है एग्ज़ाम में वो सफिशियंट दिया गया है 2 घंटा, आपको वो टाइम कमेगा नहीं। तो 2 घंटा में जो भी है आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो भी पार्ट है या जो भी दिया गया है, सभी अलग अलग पोस्ट के लिए जो क्राइटेरिया है उसके लिए अलग अलग डिसाइड किया गया है, तो वो आपको एक ही में मिलेगा सभी। और 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा, अलग अलग नहीं होगा, सभी सेक्शन वाइज रहेगा लेकिन टाइमिंग सबका एक ही रहेगा, किसी का अलग अलग टाइम नहीं रहेगा। और आप जो भी पार्ट बनाना चाहते हैं वो पार्ट बना सकते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, जो आपका अच्छा होगा सब्जेक्ट वहाँ से चालू कीजिएगा। और जो क्वेश्चन फंस रहा है उसको एक बार बनाना है और फंस रहा है तो उसको छोड़ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि अगर फंस जाइएगा तो फिर आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा और आगे भी जो इजी क्वेश्चन होगा वो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए इसका बहुत अच्छा से ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है कि हम इसे बना ही देंगे, क्योंकि बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है जो आसान भी होता है लेकिन वो बनता नहीं है, एक बार में थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है तो नहीं बन पाता है। तो इसीलिए उसको ज़्यादा ईगो पे नहीं लेना है और जो क्वेश्चन बन रहा है उसको बना करके, एक बार में नहीं बन रहा है तो उसे छोड़ देना है, फिर अगले अटैम्प्ट में आपका बिल्कुल टाइम बचेगा, उसमें अगले अटैम्प्ट में उसे देख लीजिएगा। लेकिन एक बार जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाना है। ईगो पर कोई क्वेश्चन को नहीं लेना है कि ये हम बना ही देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में होता है ऐसा, जो ईजी क्वेश्चन होता है वो भी आते हुए भी गलत हो जाता है बहुत सारा क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल ईगो पर नहीं लीजिएगा और एक बार से बनाइएगा, जो आपका अच्छा सब्जेक्ट होगा वहाँ से चालू कीजिएगा, बना लीजिएगा। उसके बाद टाइम सफिशियंट है, टाइम घटेगा नहीं, तो ऐसे करके बनाना है। और फिर जो छोड़ दीजिएगा वो अगले अटेम्प्ट में फिर से बनेगा तो बनाना है, नहीं तो छोड़ देना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ना भी चाहिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन बनाने से सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि रॉन्ग हो जाएगा तो फिर निगेटिव मार्किंग है, आपका माइनस में नंबर जाने लगेगा। तो इसीलिए बिल्कुल सोच समझ के आपको बनाना है, तो जो क्वेश्चन आ रहा है पहले उसको बना लीजिएगा, फिर बाद में सेकेंड अटेम्प्ट में दूसरे क्वेश्चन को बनाना है। तो सभी में सेम रहेगा, आपका टाइमिंग 2 घंटा का ही रहेगा और सभी एक ही बार में आपको एग्ज़ाम हो जाएगा, अलग अलग पार्ट वाइज एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आप सभी, आई होप कि आप सभी पहुंच गए होंगे सेंटर पे, जो निकल गए होंगे, जिनका दूर है वो तो चले गए होंगे, और अच्छे से रिलैक्स हो लीजिएगा। फिर आप ज़रूर हमें बताइएगा कि कैसा आपका एग्ज़ाम हो रहा है और कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप हमें बताइएगा। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो सकते हैं और कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। तो आप ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम से और हमें बता सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है और कैसा पूछा जा रहा है, तो अच्छा है। और एग्ज़ाम में बिल्कुल फेयर तरीके से डिजिटल का एग्ज़ाम होता है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, एकदम फेयर तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा। और देखिएगा कि बहुत ही अच्छा सिस्टम है जो डी एफ सी साइल में, और जल्दी आपको आंसर की भी देखने को मिलेगा। और रिजल्ट है, थोड़ा लेट होता है डी एफ सी साइल के रिजल्ट में, तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद जस्ट बहुत ही जल्द से जल्द आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा, तो थोड़ा रिजल्ट में लेट होता है डी एफ सी साइल का, बाकी सभी प्रोसेस बहुत ही इसका फास्ट है, तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा रिजल्ट में लेट होता है लेकिन कोई भी गड़बड़ी नहीं मिलता है देखने को, तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम दीजिए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा डी एफ सी साइल में, तो बिल्कुल जल्दी ही जल्दी, थोड़ा लेट में रिजल्ट आएगा लेकिन जल्दी जल्दी आपका ज्वाइनिंग तक जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।